अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम के साथ बिल्कुल ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये देखें, आपको मेरे पीछे ये केज में नज़र आ रहे होंगे, आज मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ। आज दोस्तों चूँकि मौसम बहुत ही प्यारा है, ये चेक करें, आज हर तरफ मतलब हवा भी चल रही है हल्की हल्की और बादल भी आए हुए हैं, तो मौसम बहुत ही लेवल का बना हुआ है। इस वजह से दोस्तों मैंने इनको ना आज यहाँ पे बाहर निकाल दिया है कि मौसम अच्छा है तो ये बेचारे एंजॉय करें, क्योंकि ये होता है कि जब मौसम सही नहीं होता तो इनको मतलब धूप होती है ना, तो इनको मैं अंदर रख देता होता हूँ। तो आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको भी बाहर निकाल दूँ, ये भी थोड़ा मौसम इंजॉय कर सकें। और बाकी मैंने ना आज मैं दिखाता हूँ अपने इस कबूतर को बाहर निकाला है, ये चेक करें दोस्तों, इसको आज मैंने बाहर निकाला है। जब से बाहर निकाला ये इस केज के इर्द गिर्द ही मंडला रहा है कि किसी तरह मैं अंदर जाऊं ये दरवाज़ा खुले। अब ये देखें दोस्तों, अब ये ट्राई करेगा कि मैं किसी तरह अंदर जाऊं दरवाज़ा खुले। ये चेक करें, ये इस तरह बेचारा अंदर जाता है, कभी बेचारा इस साइड से अंदर जाने की कोशिश करता है, कभी इधर दरवाजे से, कभी तो ये जाली के साथ चिपक जाता है कि मुझे अंदर जाना है। ये देखें, ये देखें, ये इसी तरह अंदर जाने की बेचारा परतोल कोशिश करता रहता है लेकिन नाकाम होता है, क्योंकि अभी हमने इसको अलाउ ही नहीं किया अंदर जाना। नहीं तो यार अगर ये अंदर चला जाए ना तो फिर उनका पेयर ख़राब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कल मैंने इसको खोला भी था ताकि इसको ना मैं अंदर खोल दिया था ताकि देखें कि ये लड़ाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन वही हुआ कि ये अंदर जाते इसने उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने फौरन फिर इसको अलग कर दिया कि उनको तो डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर ही है। और दोस्तों मैं आज ये भी सोच रहा हूँ क्यों ना हम हमारे ये जो न्यू पिजन्स आए हैं, मुझे तो दोनों फीमेल्स ही लग रही हैं क्योंकि एक ही जगह बैठी रहती हैं, आज थोड़ा इनका वो एक क्या कहते हैं देसी तरीका था, मैंने नेट से देखा था दोस्तों के वो चेक करने के लिए कि इसमें से नर कौन सा है और मादा कौन सा है, तो आज हम वो भी अपनाते हैं। वो देखें, मुर्गी ने अंडा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, वो शोर कर रही है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये चेक करें। वो देखें, वो अंडा देने के लिए मेरा ख्याल है अंदर गई हुई है ये, ये अब आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, इसको डिस्टर्ब कर रही थी हमारी ये दूसरे वाली मुर्गी, तो इस वजह से वो फिर शोर मचा रही थी। हाँ वो अंडा देगी, दे ये वाली अंडा दे देगी तो इसके बाद फिर उसकी बारी है, वो आके बैठ जाएगी। अच्छा अक्सर दोस्तों ये ऐसा ही करते हैं, अक्सर दोस्तों ये ऐसा ही करते हैं, एक अंडा देने जाती है तो दूसरी को याद आता है कि मैंने भी अंडा देना था, वो उसके पीछे भाग जाती है, तो अंदर फिर बाज़ अवकात लड़ाई भी हो जाती है और बाज़ अवकात सुलह सफाई से भी अंडे दे देती हैं दोनों। तो दोस्तों क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें से नर कौन सा है और मादा कौन सी है, तो हम एक काम करते हैं, वो जो देसी टोटका था ना जो मैंने आपको बताया कि मैंने नेट से देखा था, तो हम वो चेक करते हैं, उसके थ्रू पता करते हैं कि देखते हैं कि इनमें से को हमें पता भी चलता है या नहीं कि मतलब वो सही भी है या नहीं, उससे आइडिया भी हो जाएगा कि नर हैं दोनों मादा हैं या मतलब पूरा पेयर ही है, एक नर है और एक मादा है, तो वो करते हैं आज। पहले मैं ना वो सुई और धागा लेके आता हूँ और फिर वो मतलब तरीका आजमाते हैं। तो ये दोस्तों मैं सुई और धागा लेके आया हूँ, तो अभी चलते हैं आज हैं और चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा, मतलब हम आज टोटका आजमाएंगे और पता भी चल जाएगा कि ये तरीका मौसर भी है कि नहीं, तो आ जाए मेरे साथ। इसको ना पहले साइड पे कर देते हैं, पहले एक को पकड़ते हैं। और दोस्तों हमने आज एक और काम भी करने हैं कि इनके पर भी बांध रहे हैं ताकि ये उड़ न सके और इनको मैं यहाँ पर आराम से खोल दूँ। तो दोस्तों मैं ये ले आया हूँ, ये चेक करें दोस्तों। तो अभी दोस्तों हमने एक कबूतर को पकड़ लिया, एक यार एक यार रुक जाओ, एक मिनट और अब हम ये तरीका आजमाते हैं। इसको तो हम जैसे भी घुमा रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, ये देखें इसको ऐसे, अच्छा चलिए दोस्तों अभी तो इसका ये हो रहा है ना, अब हम दूसरे को पकड़ते हैं और उसका चेक करते हैं। हाँ ये देखें इसका अब गोल गोल घूमने लग गया, चलो इसको अब छोड़ते हैं और दूसरे को पकड़ते हैं। तो
दोस्तों इसका तो हमें नहीं पता चल रहा, इसको वापस अंदर छोड़ते हैं और दूसरे को पकड़ते हैं, देखते हैं उस पर क्या कोई पता चलता है या नहीं। दोस्तों मैं दूसरा पकड़ रहा हूँ और उसका चेक करते हैं उसका पता चलता है या नहीं चलता। तो अभी हम दूसरा पकड़ते हैं, ये जी आ गया हमारे पास दूसरा पिजन और ये हमारा वही टोटका सुई धागा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ये देखें दोस्तों, उसके ऊपर गोल गोल घूम रहा था और इसके ऊपर ये चेक करें आप, ये बिल्कुल आगे पीछे घूम रहा है। तो मतलब इसका यही हुआ कि जेंडर अब गोल या वो इस तरह आगे पीछे घूमने का मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये कि जेंडर इनका चेंज, ये दोनों फेयर ही हैं प्रॉपर। तो इनको अभी छोड़ते हैं, बल्कि काम करते हैं इनका आज पर भी बांध ही लेते हैं, तो पर इनके भी साथ साथ बांधते हैं एक मिनट। तो दोस्तों ये मैं सुई और धागा भी लेके आ गया हूँ इनका, आज इसके ना ये पर बांधते हैं साथ साथ। अभी एक मिनट मैं इसके बांध लूँ। इसका तो दोस्तों हो गया, अब दूसरे को पकड़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने दोनों के पर बांध दिए, अब दोनों को अंदर छोड़ते हैं और देखते हैं कि बाकी बंद गए हैं या खुल जाते हैं इनके। अभी बाहर नहीं छोड़ते क्योंकि रिस्की है, अगर हम अभी छोड़ेंगे तो हो सकता है इनके वो धागा जो मैंने बांधा है, क्योंकि मुझे तरीका नहीं आता, फर्स्ट टाइम ही मैंने ये अप्लाई किया है तरीका, तो हो सकता है ये खुल जाए ये उड़ जाए। तो उससे बेहतर है कि हम इनको अंदर ही छोड़ते हैं एक आध दिन, फिर आराम से जब हमें यकीन हो जाएगा कि अब ये नहीं उड़ सकते फिर हम इनको बाहर खोल देंगे। और दोस्तों हमारा जो वो पहले वाला पिजन है उसको भी हम आज अंदर छोड़ देते हैं, देखते हैं कि वो लड़ाई करते हैं या नहीं। अभी हो सकता है 3-4 दिन हो गए, हो सकता है इसे मतलब वो क्या कहते हैं अक्ल आ गई हो कि अब नहीं लड़ना इनके साथ। जाओ जाओ जाओ। जा रहे जाओ। ये चेक करें दोस्तों, फिर से वही लड़ाई शुरू इसकी। ये चेक करें, फिर से उसके साथ लड़ रहा है यार। कोई नहीं, हम इसको अभी बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो यार इसको लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।